नमस्कार दोस्तों, कर्म के हिसाब से अगला जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े यदि इंसान बनेंगे। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है, महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? है गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराण में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है, साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के एक नई प्रस्तुति में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यहां सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, क्या सच में पूर्ण जन्म होता है? मित्रों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है, कई बच्चे को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलग ही देता है, पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे। इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है, इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है, ईश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म का बातें भुला दिया जाता है, और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, किस क्रम के अनुसार से मिलता है अगले अलग अलग जन्म? पहले कछुए का जन्म, माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेती है। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है, यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है और बहुत कठिन है।
स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलक अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो कि केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों में प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला है गधे का जन्म, कौन भोगता है अब यहां आता है। कर्म फल सिद्धांत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुत्ते के जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती है, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ ना करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि, दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुंचे हैं। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा वह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। छछुंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है वह तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछुंदर के रूप में जन्म लेता है, किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होती है। किन लोगों का होता है? उल्लू में पुनर्जन्म अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे कौन सा योनि भोगना पड़ता है? जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर शाम, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट उसे फिर से मनुष्य करने की प्राप्ति होती है।
ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। फजूल के गाली गलौज करने वाले को कौन सा योनि मिलता है? दोस्तों, माना जाता है कि कंठ में मां सरस्वती वास करती हैं, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौट करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगले जन्म बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। गरुण पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है समाज के सामने उसे लज्जित करता है। अगले जन्म में वह व्यक्ति कौन नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक चीजों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। मांस खाने वाले, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण, जलोद पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। दूसरों का ध्यान किए जीवात्मा को नरक में भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। जैसे आपने इस वीडियो में सुने हैं, इसे हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। अभी तो आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, इसे पीछे आपका किस योनि में जन्म हुआ था, आइए इस पर विस्तार से जान लेते हैं। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए, आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, और भी गहराई में जाएं और देखें उससे पूर्व आप क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। मित्रों, यह साधना कठिन जरूर है लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। दोस्तों, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से पिछले जन्म जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारा आज का प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।